जी अभी सुबह का टाइम हो चुका है, सब लोग काम पे चले गए हैं। अभी तकरीबन 7 का टाइम है और हम भी जा रहे हैं काम पे। ये रूम से उठ गए, अभी इधर से हम जाएंगे नाश्ता करने के लिए। और नाश्ता करने के बाद हम जाएंगे बिल्डिंग से, हम बिल्डिंग लाइन का काम करते हैं, टाइल पत्थर वगैरह का। और अभी ये लाइट वगैरह बंद करेंगे और जाएंगे काम के लिए। निकल गए और बाहर आदमी इंतज़ार कर रहा है काम पे जाने के लिए। अभी सुबह का टाइम है तकरीबन 7 बजे का और सब गाड़ियों वाले भी निकलने वाले हैं। अभी सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं। आज छुट्टी का दिन है इसलिए कोई सऊदी बाहर नहीं निकला, सब सो रहे हैं अभी। हम अभी मुताब पे आ चुके हैं नाश्ते के लिए। एक छोटा सा बूफे है, उधर से नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद फिर जाएंगे काम। रस्ते में एक बिल्डिंग है, इधर हमने काम किया हुआ है और अभी रुका हुआ है काम। इधर से हम थोड़ा सामान उठाएंगे, अंदर का हमने सारा काम मुकम्मल कर दिया, अभी इसका होश बाकी है बस। ये भी तकरीबन 1-2 दिन तक इसका काम शुरू करना है और अंदर से ये बिल्डिंग क्लियर कर दी है हमने। अभी ये बिजली का काम करने वाले आदमी काम कर रहे हैं, इधर फिश वगैरह और लाइटर लगा रहे हैं। हमने तोड़ दिया था, ये दीवारों पे पुरानी टाइल तोड़ दी थी और अभी इस पे नई टाइल लगानी। ये मुकम्मल जो है करेंगे। अभी 2 का टाइम हो चुका है और ये काम किया है हमने, दीवारों पे आ दिया थी, दीवारों पे टाइल लगा दी है। बाहर भी बाकी है, इसका घर जिसे टाइल लगाते हैं वो खत्म हो गया था और अभी दोपहर के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं। इधर से भी दूसरे काम पे आ गए हम। इधर ये वाला वाशरूम है, इसकी दीवार लगानी है। तकरीबन 2:30 बजे हम इधर पहुंच चुके हैं, अभी इधर काम करेंगे। ये अभी तकरीबन 4-4:30 का टाइम हो चुका है। ये इसका वॉशरूम जो है, इसकी 3 दीवारें हमने लगा दी है और एक आधी दीवार पैसा नहीं है मेरे पास। इसका भी जो है
हमारी रहाइश है, दूसरे रिसोर्ट में रहते हैं और दूसरे आदमी के रूम में आ चुके होंगे जो हमसे पहले चले गए थे। तकरीबन 5:30 बजे तक हम रूम में पहुँच चुके हैं। हाँ, आदमी अभी नहा धो के आराम कर रहे हैं। क्या हो रहा है?